इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। इंडिया की तरफ जाता नजर आया, ओबामा साहब ने उसको मजीद तकवीयत बख्शी। उसके बाद अब की मैं सूरत हाल आपको बताना चाहता हूँ, ना सिर्फ डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी में भी उनका मुसलसल इन्फ्लुएंस। दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी ने पैदा किए, दोनों इंडियन डिसेंट के, एशियन में से एक, बॉबी जिंदल और निक्की हेली। उसके बाद डेमोक्रेट पार्टी की साइड पे आए 5 सिटिंग कांग्रेसमैन इस वक्त इंडियन डिसेंट के, 5। उसके बाद यह है कि इस वक्त जो अपॉइंटमेंट्स हैं तकरीबन 20 के लगभग पॉलिसी रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो इंडियन डिसेंट के, इस वक्त प्रेसिडेंशियल बाइडन कैंपेन में वर्सेस 2 पाकिस्तानी। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि वो जो की उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, एक नीरा टंडन है जो $4 trillion की इंचार्ज होंगी, वो बजट एडवाइजर हैं। उसके बाद सर्जन जनरल हैं उनके मिस्टर मूर्ति, विवेक मूर्ति। उसके बाद आप देखें तो लाइन है, एक लाइन इस तरीके से है कि व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट के जो स्पीच राइटर होंगे वो भी इंडियन डिसेंट के, जो उनके वहां पे व्हाइट हाउस के मीडिया के इंचार्ज होंगे पॉलिसी के वो भी इंडियन, व्हाइट हाउस के जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन चीजें इंटरनेट के इंचार्ज वो भी इंडियन होंगे। और 20 के करीब आप सोचें कि उनका क्या इन्फ्लुएंस होगा, और उसमें कैमला हैरिस तो शी इज ऑन टॉप ऑफ इट एंड शी हैज हर मदर एंड फैमिली बीइंग फ्रॉम इंडिया। और दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इट विल गो फर्दर अप। मैंने इसके बारे में रिसेंटली कई आर्टिकल पढ़े कि इस वक्त न्यूयॉर्क पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या क्या लिखा जा रहा है, वाशिंगटन पोस्ट में क्या क्या लिखा जा रहा है। एक तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इस वक्त वाशिंगटन डीसी में हो क्या रहा है। वाशिंगटन डीसी में सब वो लोग वापस आ चुके हैं जो ओबामा पीरियड में एडवाइजर थे। इस वक्त इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इज रन बाई ओबामा। जो बाइडन है, एक तो वो एज के इस हिस्से पे पहुंच चुके हैं और दूसरा उनकी जो हेल्थ है उस लिहाज से आपने देखा होगा जब वो बोलते हैं उनके भी क्या उस वक्त सूरत हाल होती। तो उन इन वजूहात पे इस वक्त बल्कि कैमला हैरिस के बारे में यहां पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शी इज अ कमांडर इन चीफ। तो इस वक्त दो लोग जो है वो मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं, एक तो ओबामा साहब और उनके साथ उनकी सपोर्ट होगी कैमला हैरिस की। अब ओबामा पीरियड में जो रिलेशनशिप थे, एक सबसे बड़ी जो ओबामा पीरियड में थोड़ा सा आपको वापस लेके जाना चाहूंगा, ओबामा साहब की फॉरेन पॉलिसी बहुत कमजोर थी, उनकी कोई ग्रिप नहीं थी फॉरेन पॉलिसी पे। उसकी मैं मिसाल दूंगा आपको, चाइना साउथ चाइना सी में चले गए, आपके सी पैक बनना शुरू हो गया, रशिया क्रीमिया और यूक्रेन में गया और सीरिया में रशियन फौजी भी चले गए, ईरान भी खुला के सीरिया में चला गया। और ओबामा साहब जो थे वो मुसलसल रेड लाइन ड्रा करते रहे। अब उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको छोटा सा बताऊंगा, स्टार्ट हो चुका है। चाइना ने स्टडी कर लिया है कि फॉरेन पॉलिसी पे अमेरिका की स्ट्रेंथ नहीं है, उन्होंने बर्मा में कूक करा दिया क्योंकि उनकी वहां पे $36 billion की इन्वेस्टमेंट है। और उस पर रिटेलिएशन क्या की अमेरिकन ने, कुछ भी नहीं की। बाइडन साहब ने बिल्कुल एक स्लाइट एक फिक्रा बोला है उसके खिलाफ बर्मा में, लेकिन कैलकुलेशन होती है मुल्कों की के जो फ्लॉप प्रेसिडेंट आएगा, क्योंकि इस वक्त जो बाइडन है वो एक खुली किताब की तरह है। 47 साल का जो एक्सपीरियंस होता है, 47 इयर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है, लोग उनसे कैलकुलेट करते हैं, असेस करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। तो उसमें फोरकास्ट हो चुका है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी कमजोर होगी, रशिया दोबारा अपने मसल फ्लैक्स करेगा, चाइना अपने मसल फ्लैक्स करेगा और इंडिया जो है इसका फायदा उठाएगा। अब होना यह है, मैं इसका थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा आपको, एंथनी बिल्किंस हमारे नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिन्होंने ईरान का जो डील थी ड्रा, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ड्रा किया था, उस वक्त एडवाइजर थे ओबामा पीरियड में, वो आ चुके हैं। उसके बाद जो सबसे दूसरी उससे भी बड़ी एक अपॉइंटमेंट है, लॉयड ऑस्टिन, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन जो डिफेंस के उनको पोर्टफोलियो दिया गया, ये वही है जिन्होंने सलाला चेक पोस्ट पे अटैक हुआ था जिसमें हमारे 26 सोल्जर जो थे उनकी शहादत हुई थी, जिनमें एक कैप्टन और मेजर था। और पाकिस्तान आज तक उनसे माफी के रिक्वेस्ट करता रहा है, लेकिन उन्होंने माफी इस चीज पे नहीं मांगी।
दूसरी इसमें जो अपॉइंटमेंट है वो जब पाकिस्तान में डेविड रेमंड डेविड केस हुआ था उस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थी उस वक्त, वो भी इस वक्त जो है एवरल हाइन उनका नाम है, वो भी दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन में आ चुकी हैं एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, CIA डिप्टी डायरेक्टर थी उस वक्त। तो ये सारे लोग वो वापस आ चुके हैं। और उससे एक और मैं आपको जो एक टिप देना चाहूंगा, हुसैन हकानी साहब, सुनने में आया है कि उनके काफी अच्छे रिलेशनशिप है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, या वैसे भी वो हमेशा कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के जो अगेंस्ट एलिमेंट्स होते हैं तो उनको बड़े बड़े जो कर सकते थे पाकिस्तान के लिए उनसे भी मैं मिनते तरले करता रहूं यार कि खुदा दा नाजे कुछ करो पाकिस्तान के लिए, कुछ करो पाकिस्तान। मैं आज तक मुझे आई विश कि मुझे कोई मिला हो, नेशनलिस्ट बंदा मिला हो जिसने कहा हो कि पाकिस्तान ओनली और लेस वर्क फॉर पाकिस्तान। कहीं ना कहीं जब देखा आके तो उसमें जाती एजेंडा शामिल होता है, उसमें अपनी अपनी सेल्फ अप्रेज चीजें होती हैं, उसमें नेशनल कुछ नहीं है, हम ना अच्छे मुसलमान है ना अच्छे पाकिस्तानी है, अनफॉर्चुनेटली क्या कहा जाए उसमें। लेकिन चाइना के बारे में जिस तरह मैं बात कर रहा था, इंडियन रिलेशनशिप सर उनके साथ उसकी वजह यह है उनकी क्लास और हमारी क्लास में डिफरेंस है, एजुकेशनल डिफरेंस है बिग टाइम। और दूसरा, जब एजुकेशन आप में आती है ना तो अपनी जात से बढ़ के आप काम करते हैं, हमारा अभी उस अपनी जात से नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे सिर्फ हर एक पाकिस्तानी की, मैं यहां भी देख रहा हूं इंक्लूडिंग माई सेल्फ पाकिस्तान में, हमारा मुड तोड़ के अपनी जात के आसपास ही घूमना है फिरना है, उससे आगे हम निकल नहीं पा रहे। आप ये देखें कि उसमें से मेरे ख्याल में निकला तभी जा सकता है कि जब आप, अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, मुझे कई दफा किसी ने पूछा कि ताड़ साहब व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू प्लानिंग इन द फ्यूचर। मैंने कहा यार मैं माय इशू इज माय लेगेसी नाउ, मैं उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुका हूं कि मैं चाहता हूं अगर मैं दुनिया से जाऊं तो लोग मुझे याद करें अच्छे लफ्जों से याद करें। पैसा तो क्या है, पैसा तो मुझसे पहले भी लोगों ने बहुत ज्यादा कमाया था, बाद में भी कमाया होगा, लेकिन वर्सेस में देख रहा हूं कि इतनी लूट मार, मैं आई एम नॉट अ रिच पर्सन चीमा साहब, लेकिन मैं देखता हूं आसपास जब पाकिस्तान में यहां इतना इतना पैसा है, लेकिन उनकी वो कहते हैं ना कि वो अखा नहीं हो रहे, ढिड भर गया, अखा नहीं पिया रज दी, उन्होंने अखा नहीं रज रही। मैं मेरे समझ तो बाहर के, हालांकि इनको पता है, मुझे अभी तक याद है शेख रशीद साहब, मैं नॉट अ बिग फैन ऑफ हम, लेकिन उन्होंने एक दफा फरमाया था कि कफन की जेबें नहीं होती, हर एक बंदे को पता है कि कफन की जेबें नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला माफी दे, हमारा सिर्फ उसी चीज पे अच्छा घर बड़ी गाड़ी और अपना, आपको कहते हैं ना मैं जो कुछ बनाया मैं अपने घर ही ले जाऊं किसी के साथ ना करूं, ये मैंने सीखा और अप्लाई किया टीम वर्क के बारे में। मैं आई डोंट डू दैट, मैं मेरा यहाँ पे बिजनेस अमेरिका में आके सीखा है, लेकिन टीम वर्क आप मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में चले, मैं इट्स नॉट सेल्फ अप्रेजिंग, माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज अ टीम बिल्डिंग एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रांग टीम इन माय लाइफ। अच्छा तारक साहब, ये तो आपने बड़ी अच्छी बातें की, जारी बात है ये मेरे दिल के बड़ी करीब बातें आप कर रहे हैं, लेकिन सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो है उनको वॉशिंगटन में कैसे देखा जाता है। मैं अगले दिन कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के प्रोफेसर से बात। गाइज ये वीडियो होता है यहाँ पर खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही थी, पाकिस्तान के जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं कमर चीमा, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के जो मतलब एक्टिविस्ट हैं आप पॉलिटिकल वर्कर हैं कार्यकर्ता हैं उनके साथ साजिद तरार के साथ बात हो रही थी, अमेरिका में जो जो बाइडेन की कैबिनेट में जो इंडियंस हैं उनके बारे में बात हो रही थी और क्या इफ़ेक्ट रहेगा डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद भारत अमेरिका पाकिस्तान तीनों का क्या रिश्ता रहेगा। तो उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं और स्ट्रिक्ट हो जाएगा पाकिस्तान के अगेंस्ट अमेरिका और भारत के और करीब हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि जो मतलब ओबामा बराक ओबामा पीछे से सरकार चला रहे हैं और बराक ओबामा के जो मतलब करीबी लोग थे वही अभी जो बाइडेन की कैबिनेट में आए हैं और ज़्यादातर इंडियंस हैं और इंडियंस को लेकर उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो आपने डेफिनेटली सुनी होंगी। इंडियंस बहुत एजुकेटेड हैं, पाकिस्तानी से बहुत आगे हैं, पाकिस्तानी की इंग्लिश 10 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकती है, इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये जो साजिद तरार है रिपब्लिकन पार्टी के हैं, उन्होंने क्लियरली बता दिया है और साजिद तरार काफ़ी खुलकर बयानबाजी करते हैं और खुलकर सच भी बोलते हैं, हालांकि कभी कभी ये थोड़ा सा हिंदू और ये सब बातें भी कर देते हैं लेकिन ये ज़्यादातर बातें अच्छे से सच करते हैं। जैसे आपने देखा इन्होंने बोला कि जो बाइडेन की जो कैबिनेट है उसमें बहुत सारे लोग इंडियन मतलब डिसेंट हैं और इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो इंडिया का ही साथ देंगे चाहे कुछ हो जाए। हालांकि आपको क्या लगता है, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, जैसे कैमला हैरिस है वो
वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन वो कुछ भी हो जाए वो अमेरिका के लिए पहले सोचेगी। आपको पता है उसकी जो भांजी है मीना हैरिस, जब जो इंडिया के अगेंस्ट कितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैला रही है और हद से ज़्यादा, मतलब वो फॉर्मर प्रोटेस्ट और ये और वो राइट विंग पॉलिटिक्स जमाने भर की बात है, और कैमला हैरिस का भी पास्ट कुछ ऐसा ही रहा है और जो बाइडन का पास्ट भी कुछ ऐसा रहा है, तो रिपब्लिकन पार्टी के इस नेता की बात से आप सहमत हैं या नहीं कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि उनके लिए अमेरिका ही फर्स्ट होगा। हालांकि कुछ सांसद ऐसे हो सकते हैं जो शायद इंडिया को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखें, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।